लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के मैच से पहले अगर हम रिजवान की बात करें तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो के जी इंडिया माफी मांगो रिजवान से वरना वर्ल्ड कप से बायकॉट कर देंगे तो रहन दो फिर अगर रिजवान ये कर रहा है तो दे शुड रिस्पेक्ट इट भूल गए इतना बेटे दे शुड रिस्पेक्ट इट कि भाई ये उसका बिलीफ है ठीक है और उसका राइट है मैं उनको फ्रीडम फाइटर कहूंगी सबके सामने क्योंकि मेरी अपनी राय है और मैं अपनी राय पे बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ और इंडियंस उनको कहते हैं आतंकवादी या टेररिस्ट कहते हैं कोई बात नहीं Why not? One stage it looked as if and we'll go and won't be able to go. टूट गई है कोहली सारी बाप कौन है यही नहीं अभी और सुनिए आपने सबसे पहले घबराना अब रिजवान जो है ना वैसे बड़ा सीधा सा बंदा है यार आप रिजवान को अगर वैसे मिलेंगे ना ही इज वेरी सिंपल अब वो ठीक है रिलीजियस है सब कुछ है वो उसका अपना है यार वो किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना किसी कुछ करने के लिए ईमानदारी वाले काम करो इससे उनके माइंडसेट का अंदाजा होता है ना मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस इंडिया का बड़े कल्चर लोग हमारी तरह बड़े कल्चर लोग हम मत बोलिए अपने साथ मत जोड़िए हमको अलग है forthcoming, welcoming, पढ़े लिखे, tolerant, लेकिन ये क्या हो गया? I'm shocked. वाह भाई वाह. झंडा वहाँ पे बुलंद किया. उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वक्फे के दौरान उसने नमाज पढ़ी. सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज थी. उसके अलावा जब मोहम्मद रिजवान ने ये मीडिया भी आके ये कहा उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फलस्तीन के हक में गजा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक में जो मजलूम है उनके हक में कर आपके अंदर कोई एथिक्स नहीं है कोई लॉजिकल बात नहीं है इंडिया रिजवान से वो कर क्या लिया इंडिया ने गुनाह कर लिया कि आप लोगों को वार्म वेलकम किया इंडिया ने गुनाह कर लिया कि आपको महंगे तरीन होटलों में रख रहे हैं गुनाह कर लिया कि आपके साथ इतना हॉस्पिटैलिटी दिखा रहे हैं बाकी सारे खिलाड़ी भी मुसलमान है बाबर शाहीन सारे नमाज भी पढ़ते हैं तो अगर वो जो है वो बाहर जाके नमाज पढ़ते हैं मैच के बाद तो रिजवान को इतना क्या होता है कि वो मैच के दौरान ही जो है नमाज पढ़ता है मैंने इनसे कोई पूछे आपके जो मंदिर और ये जो वाली आपके जो सीक्रेट जो जगह है मुख्तलिफ मुल्कों में उनको खत्म कर दिया जाए क्या क्या बोला तूने एक पहले क्या बोला चल चल चलो जाके इलाज करो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये बंदा जो है जो भी ये लॉयर है जिंडाल वगैरह जो भी नाम है उसका वो जाके इस तरह केसेस फाइल करेगा कंप्लेंट लिखेगा मतलब आईसीसी को तो क्या आप समझते हैं कि रिजवान मतलब एक कैसे बोलते हैं फोकस कर सकता है वो अपनी क्रिकेट के ऊपर यार अपनी हरकतें ऐसी ही नहीं इंडिया ऐसा नहीं कर सकता इंडिया माफी मांगे रिजवान से क्या हमने श्रीलंकन टीम से माफी मांगी थी हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए जय श्री राम उनका रिलीजन है भाई जब वो कर सकते हैं एक वकील ने कहा कि जी ये क्या हो रहा है ठीक है लेकिन ये क्या हो गया मेरी समझ से बात मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या है देखिए ये अपने आप को जिस तरह आपने कहा सेक्युलर स्टेट कहते हैं फिर अपने आप को ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का भी क्लेम करते हैं और उसके बाद जो है जो टॉलरेंस जो है जो होनी चाहिए जो सेक्युलर स्टेट में वो नहीं है और आपने सही कहा कि मुसलमानों के साथ क्या होता रहेगा हम टॉलरेंट हैं इससे ये जाहिर होता है मोदी गवर्नमेंट की जो फासिस्ट पॉलिसी है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती मैं वही कह रहा हूँ मैं शॉक हूँ कि ये क्या है इस रात का तो इंडिया नहीं था आई थिंक इनको जरा देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी रेपुटेशन क्या बिल्ड हो रही है कि ये एक
इनटॉलरेंट नेशन बनती जा रही है, इनको अपने अलावा किसी और चीज का पता नहीं है। आई थिंक दैट इज बैड फॉर इंडिया। नारे सुने आपने जब पाकिस्तानी बैट्समैन आउट होकर जा रहे थे, किस तरह के नारे लग रहे थे और वो इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इनको इश्तियाल दिलाएं। अगर रिजवान ये कर रहा है तो दे शुड रिस्पेक्ट इट, दे शुड रिस्पेक्ट इट कि भाई ये उसका बिलीफ है, ठीक है, और उसका राइट है। मैंने इनसे कोई पूछे आपके जो मंदिर और ये रियो वाली आपके जो सीक्रेट जो जगह है मुख्तलिफ मुल्कों में, उनको खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान में भी इनके पाकिस्तान मंदिर में भी है, क्या उनको खत्म कर दिया जाए? ये वही आमिर सोहेल है जो 2017 में पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करता रहा, ये वो आमिर सोहेल है। अब पता नहीं इसको क्या हो गया, एकदम ये भी वो टायर की तरह कभी उधर चला जाता है कभी इधर आ जाता है। अब कह रहा जी इंडिया ने गलत किया है, इंडिया को ये चीज नहीं थी करनी चाहिए, इंडिया आगे भी पास में भी इंडियन जो क्राउड है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को चढ़ाता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। रिजवान ने जो भी किया या रिजवान के साथ जो भी किया गया है वो इंडिया का सारा कसूर है, और इंडिया को वो जय श्री राम बोलने के ऊपर मोहम्मद रिजवान से माफी मांगनी चाहिए। जब इंडिया हारा था जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, तो पाकिस्तानी क्राउड ने बकायदा, ये वीडियो भी बड़ी ज्यादा वायरल हो चुकी हुई है, तब भी हुई थी अभी भी हो रही है, विराट कोहली को, शिखर धवन को, युवराज सिंह को, रोहित शर्मा को बोला था कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, आकर टूट गया कोहली तेरी, ये चीज पहले पाकिस्तानी क्राउड कर चुका है। अब इंडियन क्राउड ने ये चीज की है, उन्होंने गाली नहीं दी, उन्होंने जो उनका रिलीजन है उन्होंने वो चीज की, जय श्री राम उनका रिलीजन है भाई जान, वो कर सकते हैं। या हो कि उन्होंने हमारे रिलीजन को कोई अब्यूज किया हो या इस तरह का काम किया हो, फिर एज अ मुस्लिम मुझे भी बुरा लगेगा, ये काम उन्होंने नहीं किया, वो ईमानदारी वाले काम करो। आमिर सोहेल कौन होता है ये कहने वाला कि जी इंडिया माफी मांगो रिजवान से वरना वर्ल्ड कप से बायकॉट कर देंगे। भाई जान आपने जितनी क्रिकेट खेली है मुझे नहीं लगता फिर आपने ग्राउंड में खेली, आपने मुझे लगता कोई 600 रुपए क्रिकेट खेली हुई है। आमिर सोहेल तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं है कि तू ये बातें करे टीवी के ऊपर बैठ के कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बायकॉट कर देना चाहिए, इंडियन क्राउड को माफी मांगनी चाहिए। मतलब रिजवान तो नमाज पढ़ता है, सबको पता है यार, वो अपना ब्रेक जब होती है वो जल्दी से अपना जो भी होता है दो रखत करके अपना फारिग कर देता है, ऐसा क्या है उसमें यार, उसमें ऐसा क्या मसला हो गया भाई, मुझे बता दो क्या उसने किसी को गाली दी, क्या किया, क्या एक बंद, क्या जो पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में हुआ क्या उसमें लोग प्ले कार्ड और बैनर्स नहीं लेके खड़े हुए थे? अगर इतना हेट फील्ड है पाकिस्तान के लिए या मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए खास करके, तो भाई फिर मत खेलो ना यार, मत खेलो कहीं भी, मैं कहता हूँ आप बायलैटरल नहीं खेल रहे ना, आप आईपीएल में भी नहीं बुलाते ना हमारे प्लेयर्स को, तो फिर ये क्यों आईसीसी इवेंट में खेल रहे हो? बट इट इज डिसगस्टिंग, आई टेल यू दैट इट इज टोटली डिसगस्टिंग। क्या बोला तूने, ए पहले क्या बोला, चल चल चलो जाके इलाज कराओ। पाकिस्तान का